आज हम लोग पांच साल मेरी मां शिक्षक कहानी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है कहानी हमें देशभक्त बनने की प्रेरणा देता है और एक देश भक्त के मां की जो है जीवन से संबंधित ये कहानी है। इसके रचयिता श्री राम प्रसाद बिस्मिल हैं। उन्होंने अपनी मां के बारे में जो है बताया है कि किस तरह से उनकी मां उनके पालन पोषण से लेकर उनकी शिक्षा दीक्षा तक उन्हें प्रेरित की है, सहयोग की है और आगे बढ़ना सिखाई है। इसके लिए जो है अनेक कठिनाइयों को सहती हुई वह मां अपने पुत्र को मंदिर तक पहुंचने में जो है मदद करती है। तो उसी मां के बारे में ये लिखा हुआ है और मां किस तरह से जो है पालन पोषण करती है, कितनी कम उम्र में जो है वह जो है अपने ससुराल आती है और वहां नहीं कुछ जानने के बाद भी अपने बड़े बुजुर्गों से जो है शिक्षा ग्रहण करती है। गृह कार्य में ज्ञान प्राप्त करती है और धीरे धीरे वह भी जो है शिक्षित हो जाती है, अपने बच्चे को भी जो है आगे बढ़ने के लिए ज्ञान प्रदान करती है, उसे सिखाती है। तो आज हम लोग उसी जो है मेरी मां शीर्षक के पाठ में देखेंगे कि किस तरह से मां अपने बेटे को जो है देशभक्त बनने की प्रेरणा जो है प्रदान करती है और उसे कर्मठ एक योद्धा की तरह शक्तिशाली और अपने देश के लिए जो है मर मिटने की प्रेरणा जो है देती है। तो इसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि अपनी मां जो है किस तरह से हर बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान कर सकती है और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा स्रोत बन जाती है और अपने बच्चे को जो है वह गंतव्य तक उसके लक्ष्य तक पहुंचने में जो है मदद करती है। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि किस तरह से जो है वह अपनी मां के आदेश का पालन करते हैं और देश सेवा के लिए देशभक्ति के लिए उन्हें जो है मां ही प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। हमारे देश में आजादी की लड़ाई में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और देश की आजादी के लिए तरह तरह की यातनाएं जो है सही और उन यातनाओं को सहने के बाद हमारा देश आजाद हुआ। तो उसी में से एक क्रांतिकारी भी हमारे श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। वे अपने माता से जो है शिक्षा ग्रहण करके और शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह अपनी मां को कैसे जो है प्रेरणा स्रोत मानते हैं इसके आधार पर उन्होंने कहा है। वह जो है कहते हैं कि जिस तरह से मां हमारे पालन पोषण में हमारी सहायता प्रदान की, हमारे ज्ञान के लिए वह अपने कष्टों को जो है सहते हुए सुअवसर प्रदान की, तो वैसे अवसर के लिए जो है वे मां का अपना धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि ऐसी मां जो है सबको होनी चाहिए।
सबको होना अनिवार्य है, क्योंकि इसी से हमारे देश का भविष्य जो है निर्भर करता है। और अगर सभी माताएं अपने बच्चों की देखभाल सही रूप में करें तो वह जो है बालक आगे चलकर देश का जो है कर्णधार बनेगा, फिर योद्धा बनेगा, फिर सपूत बन सकता है और अपने देश के लिए वह जो है सोच सकता है। अब हम लोग जो है देखेंगे इसमें कि किस तरह से जो है कठिन शब्द आए हैं और उन कठिन शब्दों के बारे में भी हम लोग जाने। तो सदृश, अब इसमें सदृश शब्द का अर्थ है श्रवण, अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर ज्ञान, कृष्णा का अर्थ है कामना चाहत, रक्षार्थ है शब्द का अर्थ है रक्षा के लिए, स्मरण शब्द का अर्थ है याद, जन्मदात्री का अर्थ है जन्म देने वाली। जो माँ हमें जन्म देती है उसे हम लोग जननी भी कहते हैं। कहा भी क्या है, जननी जन्म भूमि सह स्वर्ग आदि करियसी, जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो इस तरह से हम लोग शब्दार्थ देंगे। अब इस पाठ पर आधारित कुछ अभ्यासात प्रश्न हैं, उसे हम लोग जो है देखेंगे। अब पहला सवाल इसमें यह है, राम प्रसाद बिस्मिल की माता जी का विवाह कितने साल की उम्र में हुआ था? 11 वर्ष की उम्र में। राम प्रसाद बिस्मिल की दादी ने अपनी छोटी बहन को क्यों बुलाया? उनकी माता जी को जो है गृह कार्य में सहयोग करने के लिए और शिक्षा प्रदान करने के लिए। उसके बाद है, राम प्रसाद बिस्मिल ने किस क्रांतिकारी की माँ का उदाहरण दिया है? गुरु गोविंद सिंह की पत्नी का उदाहरण उन्होंने दिया है। उन्होंने क्या समझकर माँ को धर्म धारण करने को कहा? उन्होंने अपनी माँ को यह घर धारण करने के लिए कहा कि एक तुम्हारे जैसी अनेक माताएं हैं जो अपने देश के लिए अपने पुत्र को जो है बलिदान कर दी है। तो सबसे पहले हमारा जो है क्या है, देश है, उसके बाद हम हैं। बिस्मिल की माता जी ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा? बिस्मिल की माता जी ने पढ़ना लिखा अपने घर के बड़े बुजुर्गों से जो है सीखा। उनकी माता जी ने उसे क्या सलाह दी? उनकी माता जी ने उन्हें सलाह दी कि कभी भी किसी को प्राप्त नहीं देना, कभी झूठ नहीं बोलना, यहाँ तक जहां तक हो सके परोपकार करना, दूसरे की भलाई करना। उसके बाद बिस्मिल ने क्या इच्छा व्यक्त की? उन्होंने अपने माता के प्रति श्रद्धा व्यक्त की और उनके चरणों में जो है सादर प्रणाम भी जो है अंकित किया। गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी? क्योंकि उनके पुत्रों का बलिदान देश के लिए हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों की बलिदान पर मिठाइयां बांटी थी। अब इस पर आधारित कुछ सही और गलत करने के लिए प्रश्न है, उसे हम लोग देखेंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। इसमें पहला नंबर है आपको, क्रांतिकारी जिसमें थी शाहजहांपुर हरदोई के रहने वाले थे। शाहजहांपुर या हरदोई में से कौन सही है उसको हमको बताना है। शाहजहांपुर इसका सही उत्तर होगा, शाहजहां। शाहजहांपुर। अब उसके बाद है ख नंबर में, बिस्मिल जी की माँ ने देशभक्ति या देशद्रोह का पाठ पढ़ाया, इसका सही
शक्ति उसके बाद में किसी भी बालक के जीवन में मां की शिक्षा महत्वपूर्ण है या हानिकारक तो इसमें महत्वपूर्ण है। घर नंबर में है मां के गर्भ से पूरी न होना असंभव है या संभव है, सही उत्तर होगा इसमें असंभव। उसके बाद में सभी में देश प्रेम या देशद्रोह की भावना होनी चाहिए, अब इसका सही उत्तर देश प्रेम होगा। अब चार नंबर में हम लोग देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, हमें माँ की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसमें चार की कौन में होगा माँ। उसके बाद छह नंबर में है दस एक अमूल्य धन है ज्ञान, दस नंबर में आपको हो जाएगा, दस नंबर में है हमें दस अधीर नहीं होना चाहिए कभी भी। हर नंबर में है आपको हमें अपने दस की मर्यादा का पालन करना चाहिए बड़ों। उसके बाद पांचवा नंबर में है माता पिता को डैश सबसे बढ़कर देना चाहिए आदर, इसका सही उत्तर होगा आदर। उसके बाद है पांच नंबर में है वाक बनाना है, नितांत शब्द से वाक बनाएं, तो इसमें नितांत शब्द से वाक बनाने के लिए जो है आपको ज्ञान प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। अवर्णनीय माँ का गुण अवर्णनीय है, स्मरण हमें इतिहास का स्मरण करना चाहिए, प्रोत्साहन माँ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है, त्याग हमें अपने मन से क्रूर विचार का त्याग करना चाहिए। इस तरह से ये आपका हो गया। अब भाषा बोध में है जिन शब्दों में प्रत्यय लगा है उन पर सही का निशान लगाइए, तो वर्णन वर्णनीय और वर्ण है, इसमें भाषा बोध में आप देखेंगे तो इसमें वर्णनीय में जो है वर्णनीय वर्णनीय में आपको अनिय पड़ते हैं। उसके बाद ख नंबर में स्वतंत्र परतंत्र और देशी, इसमें देशी शब्द में दीर्घ ई पड़ते हैं। ग नंबर में अजय विजय और पराजित, पराजित में जो है आपको ईद पड़ते हैं। घर नंबर में स्वर्गीय स्वर्ग और नरक, स्वर्गीय स्वर्ग और नरक में स्वर्गीय में जो है दीर्घकीय पड़ते हैं। उसके बाद है आधा नंबर में कलंक है, कलंकित है और अकलंक है, इसमें कलंकित में ईद पड़ते हैं। उसके बाद दिया हुआ है ईद पड़ते हैं लगाकर पांच शब्द बनाए,
सीता है, आप जैसे देखिए तो एक पद्य के द्वारा जैसे होंगे आपको मुख से मौखिक मास से हो जाएगा मासिक, सप्ताह से हो जाएगा साप्ताहिक, उसके बाद आपको वर्ष से हो जाएगा वार्षिक, हमें इसी तरह से भूगोल से भौगोलिक या कलंक से कलंकित इस तरह से ये हो गया आपका एक प्रत्यय जोड़कर पांच शब्द। अब हम लोग फिर एक बार इसे जो है देख लें, इसके शब्दार्थ को भी देखें और फिर आगे इसका जो प्रश्न अभ्यास है इसको हम लोग देखेंगे। जैसे सदरी से शब्द का अर्थ है समान, अक्षर बोध है, अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर ज्ञान, कृष्णा शब्द का अर्थ है कामना या चाहत, रक्षाल का अर्थ है रक्षा के लिए, स्मरण का अर्थ है याद, जन्मदात्री का अर्थ है जन्म देने वाली। अब इसका फिल इन दी ब्लैंक्स है या खाली जगहों को भरो, उपयुक्त शब्द उसमें दिया हुआ है उसमें से भरना है। तीसरा नंबर में आपको है क्रांतिकारी विस्मित जी शाहजहांपुर या हरदोई के रहने वाले थे, इसका सही उत्तर होगा शाहजहांपुर। उसके बाद जो है विस्मित जी मां ने उन्हें हमेशा देशभक्ति या देशद्रोह का पाठ पढ़ाया, तो इसमें सही उत्तर होगा देशभक्ति। उसके बाद आपको है किसी भी बालक के जीवन में माँ की शिक्षा महत्वपूर्ण है या हानिकारक, तो इसमें जो है आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शब्द होगा। उसके बाद धर्म अंदर में किया हुआ है माँ के कर्ज से उरीन होना असंभव है या संभव, सही उत्तर इसमें असंभव होगा। उसके बाद का प्रश्न है सभी में देश प्रेम या देशद्रोह की भावना होनी चाहिए, तो इसमें देश प्रेम होना चाहिए, देश प्रेम सही उत्तर होगा। चार नंबर में खाली जगह में भरना है ताकि यह कथन जो है सत्य हो जाए, हमें डैश की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा माँ। उसके बाद लाल, अब देखिए इसमें दिया हुआ एक खास नंबर में प्रश्न है ख में दिया हुआ है डैश एक अमूल्य धन है, ज्ञान एक अमूल्य धन है। उसके बाद ग नंबर में है हमें डैश अधीर नहीं होना चाहिए कभी भी, इसका सही उत्तर कभी भी होगा। इसमें इसका प्रश्न है तो अभी अब देखिए प्रश्न आ रहा है कि हमें डैश अधीर नहीं होना चाहिए, कभी अधीर नहीं होना चाहिए या कभी भी अधीर नहीं होना चाहिए, हमें अपने डैश की मर्यादा का पालन करना चाहिए, तो हमें अपने बड़ों की मर्यादा का पालन करना चाहिए, इसमें बड़ों हो जाएगा। उसके बाद हमें आपको माता पिता को डैश सबसे बढ़कर देना चाहिए आदर या सम्मान, अब है वाक्य बनाने के लिए नितांत,
ज्ञान प्राप्त करना नितांत आवश्यक है, अवर्णनीय। माँ का गुण अवर्णनीय है। उसके बाद है स्मरण। तो स्मरण, हमें इतिहास का स्मरण करना चाहिए। प्रोत्साहन, माँ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। त्याग, हमें क्रूर विचार का त्याग करना चाहिए। इस तरह से ये हो गया आपका प्रश्न अभ्यास। अब आप इसको घर पर रह करके जो है इसमें जितना भी अभ्यास आप प्रश्न है इसे आप याद करेंगे और इन समूह को बनाएंगे। इसमें कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत है तो हमारा दूरभाष नंबर दिया हुआ है, इस पर आप जो है दिन के 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इस प्रकार के हम जो है मेरी माँ आज का अभ्यास हो गया। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन अध्ययन करते रहें।